हाल कुछ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग जी? ये मेरी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट किए थे, फिर वही आप लोग को याद दिला दूं, एमटी शीट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे, राइट? अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी में अटेम्प्ट कीजिएगा। लर्न करते रहिए, जो जो क्वेश्चन लर्न होता रहे उसका आंसर लिखते रहिएगा, और फिर एक दिन जब ये तमाम वीडियोज आपको हमारी मिल जाएंगी, पेपर आपका कम्प्लीट हो जाएगा, तो ये लाके हमें सबमिट करा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लड़कर लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। कोई से 3 अटेम्प्ट नहीं, 3 क्वेश्चन, कोई से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? मैंने 4 दिए बेटा, तो बेस्ट वन जो आप लोग को 3 याद होंगे आपको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक? क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी कंपाउंड को डिफाइन करना है विद इट्स प्रॉपर्टीज। ये एक क्वेश्चन है लेकिन 2 पार्ट्स में है, ठीक है, राइट? फर्स्ट वन आपको डेफिनेशन लिखनी कोवेलेंट कंपाउंड की, सेकंड वन प्रॉपर्टीज के अधीन डाल के उसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो डिफाइन कीजिएगा। पूरा क्वेश्चन लर्न होगा इन 2 चीजों में। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम की डेफिनेशन लिखिएगा, सेकंड उसके स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना है। स्ट्रक्चर मीन्स उसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं चारों तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके साथ लिखिए। पूरा क्वेश्चन आपकी कॉपी में मौजूद है, लर्न कर चुके हम लोग, समझ चुके हैं कि क्या है एटम। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस आपने पढ़े थे बहुत अच्छे से, ब्रीफली हमने ये चैप्टर पढ़ा था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है? तो आपको डिस्क्राइब करने इसकी टाइप्स, डिस्क्राइब मींस टाइप्स लिखते जाइएगा, सैचुरेटेड उसको डिफाइन कीजिएगा, अनसैचुरेटेड उसको डिफाइन कीजिएगा, सुपर सैचुरेटेड उसको डिफाइन कीजिएगा। हाउ आर साउंड वेव्स प्रोड्यूस, लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे जब आप लोग की स्कूल ऑफ मोस्ट से पहले साउंड पढ़ रहे थे। साउंड वेव्स मैंने आपको समझाई थी कि क्या होती हैं और किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है? इसका आंसर भी आपके पास मौजूद है। कोई से भी एनी 3 क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से आप लोग को लर्न हो रहे हो वो लर्न कीजिएगा और फिर उनको अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। बहुत जल्दी नहीं है, स्कूल से जब आपको लर्न हो जाए तो फिर आंसर लिखिएगा, ठीक है बेटा? और ये आपकी प्रिपरेशन हमारी फाइनल एग्जाम के लिए, तो बहुत अच्छे से लर्न करते जाइए, स्पेल मिस्टेक्स नहीं हो आपकी, और जब आपको लर्न हो जाए तो फिर अटेम्प्ट कीजिएगा, आंसर लिखिएगा, ठीक है? बस खेप रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।